ये गान युद्ध चैप्टर का पार्ट टू है। तो इसमें हिंदी डिक्टेशन में जो मैं बोला था, जहाँ से मैं छोड़ा था, वहीं से मैं फिर शुरू कर रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप पेन एंड पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। तो चलिए ये हम हिंदी का इमला शुरू करते हैं। अकबर मुगल बादशाह थे, उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर न गाए एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं। अकबर मुगल बादशाह थे, उनके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर न गाए। और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है।
अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्यु दंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारे वनवासी साधुओं को पता न था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है, अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे, अकबर के होंठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उसमें दया का भाव कम था।
मृत्यु दंड की। आज्ञा हुई केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। उसमें दया का भाव कम था। एक बार फिर से बोल रहा हूं। मृत्युदंड की आज्ञा हुई, केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा।